हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्मार्ट मॉम एडुकेशन। टुडे आवर टॉपिक इज क्लास टू गुलमोहर। ये देखिए, ये क्लास टू गुलमोहर की बुक है। इसकी आज हम देखेंगे चैप्टर टू, ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन। इसके लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसके फर्स्ट चैप्टर और आज हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे। ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन वॉज आमिर्स फेवरेट प्लेस। ही लव्ड द फ्रूट्स, द लीव्स, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज देयर। ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन आमिर्स फेवरेट प्लेस। ही ऑल्सो लव्ड स्पेंडिंग टाइम विथ द ग्रैंडपा। उसे अपने ग्रैंडपा के साथ टाइम बिताना भी बहुत पसंद था। दे वर्क टुगेदर इन द गार्डन एवरी वीक। ये लोग साथ में गार्डन में हर वीक काम करते थे। वेन दे फिनिश्ड दे इंजॉयड द फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन। जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेते थे तो वो साथ में बैठ के फ्रेश फूड, गार्डन के फ्रेश फूड को इंजॉय करते थे, खाते थे। वन डे, एक दिन, ग्रैंडपा वॉज वेरी क्वाइट। ग्रैंडपा बहुत शांत थे। ही वर्क इन द गार्डन विदाउट सेइंग अ वर्ड। वो बिना कुछ बोले गार्डन में अपना काम कर रहे थे। थोड़े सैड टाइप से थे। दे प्लग्ड फ्रेश फ्रूट्स बट ग्रैंडपा डिडंट ईट एनी। वे लोग फ्रेश फ्रूट्स प्लग्ड किए, तोड़े, पर ग्रैंडपा ने कुछ नहीं खाया। व्हाट्स रॉन्ग ग्रैंडपा, आस्क्ड आमिर। क्या हुआ ग्रैंडपा, आमिर ने पूछा। माई गार्डन इज डाइंग आमिर, रिप्लाइड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने आंसर दिया, मेरा गार्डन अब खत्म हो रहा है, मर रहा है। लुक क्लोजली सेड ग्रैंडपा, नज़दीक से देखो। सम पेस्ट्स आर ईटिंग द प्लांट्स। कुछ कीड़े जो हैं वो प्लांट को ईट कर रहे हैं। आमिर लुक्ड एट द लीव्स ऑफ द प्लांट नियर बाय। हाफ द लीव्स हैड बीन च्यूड अप। आमिर नज़दीक से को देखा, कुछ पत्तियाँ हाफ च्यूड अप ऑफ चबाई हुई थी। कांट वी डू समथिंग टू स्टॉप दिस, आस्क्ड आमिर। क्या हम कुछ कर नहीं सकते इसे रोकने के लिए। वी नीड लेडी बर्ड्स, सेड ग्रैंडपा। हमें लेडी बर्ड्स चाहिए, ग्रैंडपा ने कहा। दे आर वेरी यूजफुल बग्स। वो बहुत यूजफुल बग्स हैं, कीड़े मकौड़े हैं। दे कैन ईट दिस पेस्ट एंड सेव माई गार्डन, बट वेयर विल आई फाइंड देम। पर हमें वो कहाँ मिलेगी। डोंट वरी ग्रैंडपा, आई विल ब्रिंग यू अ बग और टू, सेड आमिर। मैं आपके लिए एक दो बर्ड जरूर ले आऊँगा, डोंट वरी। आमिर वेंट होम, वो घर गया। एंड बिगेन टू लुक फॉर लेडी बर्ड्स एवरीवेयर, और चारों तरफ लेडी बर्ड को देखने लगा। ऑन द सेकेंड डे ही फाउंड टू लेडी बर्ड्स विल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। जब वो स्कूल से घर की ओर आ रहा था तो उसने दो लेडी बर्ड देखा। दे वेयर इन द ग्रास ग्रोइंग बाय द साइड ऑफ द रोड। ही केयरफुली पिक्ड देम अप एंड ब्राउट देम होम। जब वो स्कूल से घर की ओर आ रहा था उसने दो लेडी बर्ड को ग्रास पे चलते हुए देखा। उसने केयरफुली उसे पिक्ड अप किया, उठाया और घर ले आया। आमिर पुट स्मॉल लीव्स एंड ट्विग्स एट द बॉटम ऑफ अ बिग प्लास्टिक बॉक्स। उसने एक बिग प्लास्टिक बॉक्स में कुछ लीव्स को डाला और उसमें उसे डाल दिया। देन ही जेंटली प्लेस्ड द लेडी बर्ड्स इनसाइड। जेंटली उसने आराम से उसने उसमें डाल दिया। ही केप्ट सम फूड एंड वाटर फॉर देम इन द बॉक्स। कुछ खाना और कुछ खाने पीने के सामान और कुछ पानी उसने उसमें डाल दिया उस प्लास्टिक के बॉक्स में। द नेक्स्ट डे आमिर लुक्ड फॉर द बग्स अराउंड द फुटबॉल फील्ड। नेक्स्ट डे उसने फुटबॉल फील्ड के आसपास बग्स को देखा। He found three of them sitting on the leaf. वहाँ उसने तीन देखा जो लीफ पे सीट की हुई थी, बैठी हुई थी। Come with me little birds, come, चलो मेरे साथ lady birds, we have to help grandpa, he said, carefully picking them up. हमें अपने grandpa की help करनी है, और उसने carefully उसे उठा लिया। 2 days later, दो दिन के बाद, आमिर फाउंड 4 more एट द पार्क। 4 और उसने पार्क में पाया। ही पिक देम अप एंड रैन होम, घर की ओर भागा। नाउ हिज बॉक्स हैड 9 लेडी बर्ड्स, और अब उसके पास 9 लेडी बर्ड्स थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आमिर वेंट स्ट्रेट टू ग्रैंडपा फारूक्स हाउस। वो सीधा ग्रैंडपा फारूक्स हाउस के घर चला गया नेक्स्ट मॉर्निंग विथ अ बिग स्माइल, एक
बड़ा सा स्माइल अपने चेहरे पर लेके ही सोड ग्रैंडपा द बॉक्स विद द लेडी बर्ड्स. ग्रैंडपा कुडंट बिलीव इट. ग्रैंडपा विश्वास नहीं कर रहे थे जब उसने उस बॉक्स को दिखाया. यू हैव डन वेल. ओह माई बॉय, यू हैव डन सो वेल. तुमने कर दिखाया मेरा बच्चा, तुमने कर दिखाया. ग्रैंडपा सेड विद अ टीयर इन हिज आई. उनके आंखों में आंसू आ गई. ये कहते के साथ आमिर एंड ग्रैंडपा ओपेंड द बॉक्स इन द गार्डन एंड लेट द लेडी बर्ड्स आउट. ये लोग गार्डन में उस बॉक्स को ले गए और लेडी बर्ड को बॉक्स से आउट कर दिए, निकाल दिए. द लेडी बर्ड्स लाइक देयर न्यू होम. वो नए घर को अपना देखती है. दे हैड मैनी पेट्स टू ईट देयर. वहाँ पे उसके खाने के लिए बहुत सारा पेस्ट था, कीड़े मकौड़े थे. फ्रॉम द डे ऑन ग्रैंडपा फारूस गार्डन डिड व्हाट ग्रैंडपा शुड डू, इट ग्रू एंड ग्रू एंड ग्रू. चलिए, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है. अब इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर. व्हाट डिड ग्रैंडपा फारूक एंड आमिर डू इन द गार्डन. दे वर्क टुगेदर एंड एट फ्रूट. ये सी नंबर हो जाएगी. द पेस्ट एंड इन ग्रैंडपा फारूस गार्डन वेयर. ईटिंग ऑल प्लांट्स, ईटिंग द लेडी बर्ड्स इन द गार्डन, हेल्पिंग द ईटिंग द ऑल प्लांट्स. बी नंबर. यू हैव डन वेल. ओ माई बॉय, यू हैव डन वेल, डन सो वेल. वॉट डिड आमिर डू. आमिर कलेक्टेड 9 पेट्स फॉर द गार्डन. आमिर कलेक्टेड लेडी बर्ड्स. डेट वुड. ये सी नंबर हो जाएगी इसकी आंसर. आंसर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के आंसर लिख के रखी है. व्हाट डिड आमिर लाइक अबाउट ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन. क्वेश्चन नंबर 1. इसके आंसर हो जाएगी, आमिर लव्ड द फ्रूट्स, द लीव्स, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज ऑफ ग्रैंडपास गार्डन. माय गार्डन इज डाइंग. व्हाई वाज ग्रैंडपास गार्डन डाइंग. ग्रैंडपास गार्डन वाज डाइंग बिकॉज सम पेस्ट वेयर ईटिंग ऑल द प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट कुड What could Grandpa and Amir do to save the garden? Answer. Grandpa and Amir wanted ladybirds so that they can eat this pest and save the garden. अब ये question number 4 है. I will bring you a bug or two, said Amir. Which bugs were these? These bugs were ladybird. How many bugs did Amir actually bring? Amir actually brought 9 lady birds. Question number, what does this tell us about Amir? This tell us that Amir was a good, kind and responsible boy. He loved his grandpa and the garden. Question number five. Where did Amir find the ladybirds? How many did he find in each place? Where? School. How many? 2. Where? Football field. How many? 3. Where? Park. How many? 4. Question number 6. How did Amir take care of the ladybirds he had collected? Answer. Amir placed the ladybirds in a big plastic box with small leaves and twigs at the bottom. He also kept some food and water for them in the box. इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट हो गई है. अब हम देखेंगे. Amir is a kind boy. Which of this sentence from the story show this? Amir एक दयालु लड़का है. इन सब में से कौन सा लाइन इस बात को शो करता. आमिर एंड ग्रैंडपा वर्क टुगेदर इन द गार्डन एवरी वीक. डोंट वरी ग्रैंडपा, आई विल ब्रिंग यू अ बग और टू. ये हो जाएगी. आमिर जेंटली प्लेस द लेडी. आमिर पुट सम फूड एंड वाटर. ये भी हो जाएगी. आमिर फाउंड 3 लेडी. ये दो हो जाएगी. Rewrite this sentence as shown. He is a tall boy. The boy is tall. It was a long scarf. The scarf was long. It is a small plant. The plant is small. She is a quiet girl. The girl is quiet. That was a funny story. The story was funny. Complete the sentence with any suitable words. The food at the restaurant is good. My friend Lekha is always go to school. The water in the pool is hot or cold. Jo aap की मर्जी हो. योर स्टोरी इज वेरी गुड या बैड.
इस तरह से ये पूरी चैप्टर कंप्लीट हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हैव यू सीन द कुकू बर्ड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।